सभी खबरों से जुड़ी किसी भी छोटी या बड़ी अपडेट को पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल खबरी चौखट को, और किसी भी नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि हम रखते हैं चप्पे चप्पे पर नजर। बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को ड्रग्स ऑन क्रूज मामले में नहीं फंसाने के लिए 25 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगने के आरोपी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पूर्व अधिकारी समीर वानखेड़े ने शनिवार को कहा कि उन्हें देशभक्त होने की सजा मिल रही। वानखेड़े का बयान केंद्रीय जाँच ब्यूरो द्वारा शुक्रवार को उनके आवास और अन्य परिसरों पर की गयी छापेमारी के जवाब में आया। वानखेड़े ने आरोप लगाया कि सीबीआई के 18 अधिकारियों ने उनके घर पर उस वक्त छापा मारा जब उनकी पत्नी और बच्चे वहां मौजूद। समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक समीर वानखेड़े ने कहा, मुझे देशभक्त होने का इनाम मिल रहा है। 13 मई को 18 सीबीआई अधिकारियों ने मेरे आवास पर छापा मारा और 15 घंटे से अधिक समय तक तलाशी, जबकि मेरी पत्नी और बच्चे घर में मौजूद। उन्हें 23,000 रुपए और 4 संपत्ति के कागजात मिले। ये संपत्ति मेरे सर्विस में आने से पहले ही हासिल की गई थी। समीर वानखेड़े ने आगे दावा किया है कि सीबीआई अधिकारियों ने उनकी पत्नी क्रांति रेडकर का फोन भी अपने कब्जे में ले लिया। इसके अलावा सीबीआई ने उनकी बहन यास्मीन वानखेड़े के घर से 28,000 रुपए और उनके पिता ज्ञानेश्वर वानखेड़े के घर से 28,000 रुपए बरामद की। वानखेड़े के ससुर के घर समीर से भी 1,800 रुपए बरामद किए गए। सीबीआई ने 2008 बैच के IRS अधिकारी वानखेड़े और मामले में 4 अन्य NCB के तत्कालीन अधीक्षक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के बाद शुक्रवार को मुंबई, दिल्ली, रांची, लखनऊ, गुवाहाटी और चेन्नई में 29 स्थानों पर छापेमारी की थी। ड्रग्स ऑन क्रूज मामले में आर्यन खान को 2 अक्टूबर 2021 को गिरफ्तार किया गया था। खबरी चौखट की रिपोर्ट।